फॉर्म लगातार सर्वनाक प्रदर्शन, फिर भी टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा को मिलता है मौका। जान लीजिए एक खास वजह, तूफान के पहले की खामोशी, वर्ल्ड कप में सैलाब बनकर टूटेंगे रविंद्र जडेजा। पूरे हिंदुस्तान को है भरोसा, फील्ड पर रन बचाने के लिए लगा देता है जान। धोनी से सीखा है गेम चलाने का हुनर, खराब फॉर्म के चलते हो रहे ट्रोल, पर वर्ल्ड कप में अपने बल्ले और गेंद से करेंगे विपक्षियों को परेशान, निकालेंगे अपनी तलवार और करेंगे विपक्षियों पर वार। जिस खिलाड़ी ने भारत को एक से बढ़कर एक मैच जिताए, उसके खराब और मौजूदा फॉर्म पर फैंस कर रहे हैं ट्रोल, अब वर्ल्ड कप में दिखाकर अपना प्रदर्शन आलोचकों का करेगा बोलती बंद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इस खिलाड़ी की फॉर्म के लिए टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है। इस सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 66 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले से पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने 7 विकेट खोकर 352 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। जवाब में भारतीय टीम 296 रन पर ही सिमट गई और इस मैच के बाद टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को क्रिकेट फैंस जमकर ट्रोल कर रहे हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को इस मैच के बाद जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जडेजा ने इस मैच में अपने 10 ओवर के कोटे में बिना कोई विकेट लिए 61 रन खर्च कर दिए। वहीं बल्ले से जब खेलने की बारी आई तो ये खिलाड़ी 36 गेंद पर 35 रन ही बना पाया। जडेजा की इस पारी से फैंस नाराज हैं। लंबे समय से अपनी खराब फॉर्म और बल्लेबाजी के चलते गुजर रहे जडेजा आज भी लय में नहीं नजर आए। जडेजा तेजी से रन बनाने की बजाय आज ज्यादा ध्यान अपनी विकेट बचाने में लगा रहे थे। यही कारण है कि उन्हें इस मैच में खत्म होने के बाद जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि जड्डू को यह मैच खत्म करना चाहिए था, लेकिन वो जिम्मेदारी उठाने में नाकामयाब रहे। भारतीय टीम इस मुकाबले में 352 रन के टारगेट को चेस करने उतरी तो कप्तान रोहित शर्मा की कमाल की बल्लेबाजी की। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें वाशिंगटन सुंदर, जो 18 रन बनाए, उनका साथ नहीं मिल पाया। रोहित ने इस मुकाबले में सिर्फ 57 गेंद पर 81 रन की शानदार और जानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। इसके अलावा विराट कोहली के बल्ले से भी 56 रन की हाफ सेंचुरी वाली पारी आई। वहीं 48 रन श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी निकले, लेकिन इनमें से कोई भी खिलाड़ी अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाया। फिर केएल राहुल 26, सूर्यकुमार यादव 8 और रविंद्र जडेजा 35 रन बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने 4 विकेट लेकर अपनी टीम की जीत को झोली में डाल दिया। वैसे रविंद्र जडेजा के विषय पर आपका क्या ख्याल है? अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताएं और वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी क्या धमाल मचा पाएगा, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। खबर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।